हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी केयर। आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका सिफ टू का एग्ज़ाम 6 अप्रैल 2016 को हुआ था। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो 4 साल के गैप में ही होता है ना, तो इस हिसाब से ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, a-4 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। तो इसमें तो होल क्यूब का फॉर्मूला बैठाना है, a³ - 64 - 3a² + 3a² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a³ - 12a² + 48a - 64। तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ चले जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2, 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, नंबर 1 5% की साधारण तथा नंबर 2 साधारण दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर का फॉर्मूला यानी कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर इक्वल्स टू PR² / 100² और हम लोग यहाँ पर जानते हैं P = मूलधन होता है। देयरफॉर D = 5000 × 5/100 × 5/100। जब हम लोग इसको काट कूट करते हैं तो 25/2 आएगा और फिर टोटल आंसर आ गया 12.50 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग ऑप्शन डी के साथ चले जाते हैं। नंबर 3, वाई आर की माँ की सास की इकलौती बेटी है और क्यू की पत्नी है, क्यू और आर का क्या संबंध है। तो इसका आंसर हम लोग एक डायग्राम करके करते हैं तो बहुत अच्छा से होगा, जैसे जैसे एरो करके दिखाना तो इजी होगा। वाई आर की माँ की सास की इकलौती बेटी है और फिर आता है वाई जो है क्यू की पत्नी भी है, तो आर और क्यू के बीच में क्या रिलेशन हो गया, यानी कि इस आरेख से स्पष्ट हो रहा है कि क्यू आर का पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा लगेगा। नंबर 4, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है, तो इसमें तो SP यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बढ़ा देंगे विक्रय मूल्य का, तो SP = 920 × 120/115। जब हम लोग इसको छोटा करते हैं काटते हैं तो आएगा 40 × 24 फिर = 960 रुपया। तो नंबर C इज़ अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन है, किडविन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किडविन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, इससे स्वादिष्ट बना देता है, संरक्षण यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा A, किडविन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नंबर 6, sin θ / cos θ × cot θ / cosec θ को सरल कीजिए। हम लोग जानते ही हैं sin θ / cos θ = tan θ × cot θ / cosec θ, मतलब होता है 1/sin θ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot θ को हम लोग 1/10 में बदल लेते हैं, फिर 10 से 10 कट गया और फिर आंसर आ गया हम लोग का sin θ। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 7, हाल ही में पता चला हिमालय फॉरेस्ट थ्रश नामक पक्षियों की प्रजाति डैश में पाया जाता था। ऑप्शन है देहरादून, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, लद्दाख क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम लोग नंबर 7 के लिए ऑप्शन बी के साथ चल जाएंगे। नंबर 8, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑटो हॉर्न। तो नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रेगर मेंडल जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स माने जाते हैं। नंबर 9, 1.9, 8.4, 3.6, 5.8 की मध्यमिका यानी कि मीडियन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इन सभी नंबरों को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो कुछ इस तरह आएगा 1.9, 3.6, 5.8, 8.4 और n मतलब होता है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है 4 है। फिर अब मध्यमिका निकालने का समय, क्या फॉर्मूला था, 1/2 फिर 4/2 वा पद प्लस 4/2 + 1 वा पद। तो यहाँ पे 4/2 वा पद कौन है, 3.6 और 5.8 जो है वो 4/2 + 1 वा पद है। तो जब हम लोग इसको फॉर्मूला में सेट करते हैं कुछ इस तरह तो आता है 9.4/2 = 4.7। तो हम लोग जो है नंबर बी के साथ चले जाएंगे। नंबर बी 4.7 इज़ द करेक्ट मीडियन ऑफ दिस नंबर्स। नंबर 10, एक आयत की एक भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जब हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज जैसा बन जाता है, और समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है वो कैसे निकलता है, रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल कैसे होगा, 12 × 5 यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू 60 मीटर का होल स्क्वायर। तो नंबर ए जो है 60 वर्ग मीटर, यही जो है इस आयत का क्षेत्रफल है। तो हम लोग नंबर ए के साथ चले जाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में NTPC के प्रीवियस ईयर का सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, और बाद बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर रोज़ नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ वो तुरंत आपके पास चला जाए।